फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवितेश द्विवेदी ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स जैसे कि ईयर 2022 के अक्टूबर मंथ का लास्ट डे 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको मैं सत नमन करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऑटोबायोग्राफी जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के नाड़ियार में हुआ था। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृहमंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिस कारण इन्हें लोह पुरुष यानी कि आईएमए के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की फैमिली के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम जवाहर भाई और उनकी माता का नाम लाड़वा देवी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने तीन भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे और सबसे छोटे थे। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय था। निरंतर वे बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू की और उसके पुनः बाद अहमदाबाद आकर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। बात करते हैं उनके स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया। अब बात करते हैं उनके नाम के बारे में कि उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम कहाँ से मिला। सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला। जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए कहा गया तो बारडोली में उन्हें सरदार कहा गया, तो सरदार नाम उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। फ्रेंड्स ये थे कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारियाँ। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद।